तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये कूलर बनाकर दिखाऊंगा, उससे आप चारों दिशाओं में हवा खा सकते हो। बिल्कुल ही अलग तरह का कूलर मैंने बनाकर तैयार किया है। इसका वाटर टैंक है, इसके अंदर पानी वगैरह डाल सकते हो। बिल्कुल हट के अलग तरह का आइडिया मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है। तो चले गाइस मैं इसको जो आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच का जो पीवीसी पाइप का टुकड़ा होता है वो लिया है, और पीवीसी पाइप से ही मैंने सीट बनाकर तैयार कर ली। सीट में से मैं 2 राउंड काटूंगा। चलिए मैं इसको काट लेता हूँ। तो गाइस इस राउंड को मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अब इसे पीवीसी पाइप के अंदर डालकर इसको चिपका देते हैं। अब मैं 12 बोल्ट की डीसी मोटर ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई सी भी ले सकते हो। अब मैंने पीवीसी पाइप को मोड़कर इस तरह से मोटर का माप का ये बनाकर तैयार कर लिया है। मोटर इसके अंदर एकदम फिट आएगी, तो मोटर का माप का आपको इसको बनाकर तैयार करना है। उस राउंड जो मैंने काटा था उसके अंदर मैंने होल कर लिया। इसको यहाँ फेविक्विक से चिपका दूंगा, और चिपकाते समय ध्यान रखना है मोटर के अंदर फेविक्विक नहीं जानी चाहिए। अब गाइस इस राउंड को भी इस पीवीसी पाइप के अंदर लगाकर जो चिपका लेते हैं। तो चलिए मैं इसको चिपका कर तैयार करता हूँ। तो पीवीसी पाइप के अंदर से मैंने एक तरह का एक राउंड और काट लिया है, इसके अंदर एक होल कर लिया और होल इस मोटर के माप का किया है। ये देखिए इसके अंदर एकदम फिट आएगा। तो अभी उस राउंड को मैंने निकाल लिया है, इस तरह की एक रिंग और काट कर तैयार किए, और पीवीसी पाइप के अंदर से 1-1 सेंटीमीटर के इस तरह के टुकड़े काटे। तो अभी मैं इसका जो पंखा होता है वो बनाकर तैयार करूँगा, और आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने निशान मारे, तो निशान के ऊपर जो इसको चिपका दूँगा। तो चलिए मैं इस पंखे को बनाकर तैयार करता हूँ। तो गाइस पीवीसी पाइप के अंदर से मैंने इस तरह का डिब्बा और टैंकर टाइप का काट कर तैयार कर लिया है। इसको इसके अंदर लगा चिपका देंगे, ये पानी वगैरह बर्फ़ वगैरह डालने के जो काम आएगा। तो चलिए इसको मैं चिपका कर भी तैयार कर लेता हूँ। तो गाइस इसकी जो लंबाई होती है वो मैंने थोड़ी कम कर दी है, उसकी जो पट्टियाँ होती है उसकी संख्या मैंने बढ़ा दी है, ताकि मोटर पर लोड ना पड़े और साथ ही साथ दिखने में थोड़ा सुंदर लगे। पहले दिखने में थोड़ा बेकार टाइप का लग रहा था, लेकिन अब बढ़िया लग रहा है। अब मैंने बिजली फिटिंग वाला जो पाइप होता है उसके अंदर से इस तरह का टुकड़ा काट कर तैयार किया है। इसको यहाँ पर जो चिपका लेंगे। एक और बिजली फिटिंग वाला पाइप ले रहा हूँ, इसको भी यहाँ पर चिपका लेंगे, जो सपोर्ट का काम करेगा। तो गाइस मैंने इसके नीचे वजन ऐड कर दिया। इसके नीचे वजन नहीं लगाओगे तो उल्टी डायरेक्शन में घूमने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक ही मोटर लगी हुई है, तो नीचे वजन लगाना ज़रूरी है। और यहाँ पर देख सकते हो ये होल थोड़ा सा टेढ़ा निकल चुका है, इस कारण ये पंखा थोड़ा सा बांका है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो ये होल निकलने का, अगर होल आपको एकदम सीधा निकालना पड़ेगा, ये देख सकते हो। खैर कोई बात नहीं, चलिए इसकी जो टेस्टिंग करके देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। तो गाइस इससे हवा तो मिल रही है, लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं मिल रही। इसका कारण है मोटर, इस मोटर पर लोड पड़ते ही इसकी जो RPM है वो कम हो गई है। तो इसकी जगह अगर आप पावरफुल मोटर लगाओगे तो आपको काफ़ी अच्छी जो हवा मिल जाएगी, लेकिन आपको ऊपर की तरफ जो सपोर्ट लगाना पड़ेगा, इसकी जो लंबाई होती है उसको ज़्यादा आप नहीं कर सकते, आपको सपोर्ट लगाना पड़ेगा। नहीं सपोर्ट लगाओगे तो टूट जाएगा ज़्यादा, RPM की मोटर आप लगाओगे तो। तो ये एक लोकल मोटर है, इस पर जो लोड पड़ता है तो RPM इसकी कम हो जाती है। तो गाइस इसके अंदर आपको 2 काम करने हैं। पहला तो इसके अंदर हाई RPM की पावरफुल मोटर लगानी है, और दूसरा यहाँ पर जो सपोर्ट देनी है। सपोर्ट नहीं दोगे तो हिलेगा, ये कारण में इसकी जो लंबाई है थोड़ी कम की है। अगर इसको मैं ज़्यादा लंबा लगता तो ये टूट जाता। तो गाइस इसकी लंबाई बढ़ाने से अच्छा है इसकी आप चौड़ाई बढ़ा दें। इसकी पंखा होता है, इसकी चौड़ाई आप 1 फुट कर दे, और इसके जो अंदर की जो टंकी है उसका साइज़ आप 6 इंच या 7 इंच ले सकते हो।
उसको जितना बड़ा बनाओगे उतनी ज़्यादा बर्फ़ उसके अंदर आएगी। आप 1 से 1.5 किलो बर्फ़ उसके अंदर डाल दोगे तो काफ़ी ठंडी हवा आपको मिलेगी। तो फिलहाल मैं इसके अंदर जो पानी डाल देता हूँ, क्योंकि हमारा काम तो मटके वगैरह में चल जाता है। तो फिलहाल तो गाइस मैं इसके अंदर जो ठंडा पानी डाल रहा हूँ, वो ठंडा पानी डाल के इसको जो चलाते तो इसको मैंने चालू कर दिया। अब देखते कैसी हवा आती, कोई फ़र्क पड़ता है क्या। तो हवा वगैरह तो उतनी ठंडी नहीं आ रही है, लगभग वैसे ही आ रही है, क्योंकि इतना ठंडा पानी मैंने इसके अंदर नहीं डाला था। तो थोड़ा और डाल देता हूँ मैं। तो गाइस देख सकते हो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है, हवा वैसे ही आ रही है। आप इसके अंदर जो बर्फ़ डाले, बर्फ़ डालने के लिए बनाए गए, अगर आप इसके अंदर पानी वगैरह डालोगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बर्फ़ काफ़ी ठंडी होती है। तो इसके अंदर बर्फ़ डालोगे तो ज़्यादा अच्छी हवा आपको मिलेगी। और जैसा मैंने बताया, इसको आप थोड़ा बड़ा कर दे, बड़ा करने से आपको और भी ज़्यादा हवा मिलेगी। तो गाइस आप इसकी जो टंकी होती है उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दे, जिससे एक ही बार में 1-1.5 किलो बर्फ़ इसके अंदर डाल दे, जिससे आपको काफ़ी ठंडी हवा जो मिल जाएगी। और आप चाहो तो इसका एक डायरेक्शन में हवा वाला भी बनाकर तैयार कर सकते हो। तो इसके अंदर जो कमियां थी वो मैंने आपको बता दी, जिनको आप सुधार सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर से करना और सब्सक्राइब भी जरूर से करना। तो गाइस इसके अंदर जो थोड़ी बहुत कमियां होती हैं उनका आप सुधार सकते हो। और इसका जो लुक है वो बिल्कुल अलग ही टाइप का है। और इसके अंदर बहुत सारी बर्फ़ डालोगे तब जाकर आपको ठंडी हवा मिलेगी, थोड़ी सी बर्फ़ के अंदर आपको हवा नहीं मिलेगी। तो अपने हिसाब से आप मॉडिफाई इसको कर सकते हो। तो चलिए गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो में।